हेलो दोस्तों, खाना खुशबू भरा चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए आज बेसन की सब्जी बना करके आपको दिखाते हैं। देखिए बेसन ले लिए हैं, 4-5 चम्मच बेसन है। ये मसाला है, सरसों है, लहसुन है, धनिया है और हरी मिर्च है। उसमें हल्दी मिक्स कर दिए हैं पाउडर। देखिए बेसन में नमक ले लिए हैं, ये थोड़ा सा अमचूर पाउडर है और पिसा हुआ मसाला ले रहे हैं। 4 चम्मच पीला वाला सरसों पीसे थे, 12 से 15 कली लहसुन पीसे थे। देखिए अब सबको मिक्स करेंगे, पानी डाल करके बैटर तैयार करेंगे। न गाढ़ा बैटर रहेगा न पतला रहेगा। तीखा आप अपने अनुसार मिर्च डाल सकते हैं, हम हरी मिर्च लाल मिर्च सब डाले हैं। इस मसाले से लोग मछली भी बनाते हैं। देखिए हल्दी पाउडर डाल दिए, मसाला में मिक्स किए थे हल्दी पाउडर लेकिन इसमें कम दिखा। देखिए फिर पानी डालेंगे, देखिए घोल तैयार हो गया। देखिए अब चीला की तरह बनाएंगे। तवा गरम करके तेल डाल दिए थे तवा पर, फैला दिए थे पूरा। अब देखिए चीले की तरह ये बनाएंगे हम। इसको हम लोग बिहार झारखंड में पपरा भी बोलते हैं। देखिए अब पलट देंगे, इसमें एक ही साइड तेल लगता है। बहुत ही टेस्टी लगता है ये सब्जी। देखिए अब इसको मोड़ रहे हैं। दो तीन तह में मोड़ेंगे इसको और इसे स्पैचुला से दबा देंगे। देखिए खूब अच्छा बना है। फिर दूसरा ये लास्ट वाला है। देखिए सब बना करके तैयार कर लिए हैं। अब इसको काटेंगे। देखिए अब चौड़ा भी पीस रख सकते हैं, हम पतला पतला रखे हैं। एक चीले में 2-3 टुकड़े में भी अच्छा लगता है। देखिए सबको काट लिए हैं। इसके अंदर ग्रेवी घुस अंदर जाएगा। देखिए राई और मेथी का तड़का दिए हैं ग्रेवी के लिए। हींग डाल दिए, चार हरी मिर्च को लंबा काट दिए हैं और ये जो मसाला पीसे थे उसको भून रहे हैं। इसे सिलवट्टे पर पीसिए ये मसाला या ग्राइंडर में। देखिए कश्मीरी मिर्च है, पीसा हुआ ही मसाला से अच्छा लगता है ये सब्जी, पाउडर मसाला से अच्छा नहीं लगता है। देखिए खूब अच्छा मसाला भुना गया है।
नमक भी डाल दिए, टमाटर का पेस्ट डाल रहे हैं, 4 टमाटर डाले हैं। अगर टमाटर का सीजन नहीं रहता है तो अमचूर पाउडर से भी बनता है, कच्चे आम का सीजन रहता है तो कच्चे आम को भी पीस करके डाला जाता है। देखिए ढक ढक करके भून रहे हैं, खूब अच्छा भुना गया है मसाला। अब धनिया पत्ता डाल दिए, देखिए खूब अच्छा मसाला भुना गया है। अब पानी डाल रहे हैं, जितना ग्रेवी रखना चाहते हैं उतना पानी डालिए। इसमें गाढ़ा ग्रेवी अच्छा नहीं लगता है, हम और भी पानी डाल दिए हैं। क्योंकि वो चीले का पीस डालने के बाद गाढ़ा हो जाता है। अब इसे खौलने देंगे ढक करके, देखिए खौल गया है खूब अच्छा। अब इसी में सब सारा पीस को डाल देंगे, खौलने के बाद ही डाला जाता है। 1 बार मेरे तरीके से आप ज़रूर बनाइएगा। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।